गिफ्ट मेरी है इस तो बात देता नहीं मैं इस इन्हें तू बस कितना करते राधे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे सभी, आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज आपको पता आज क्या है, आज मेरी मम्मा का बर्थडे है और सभी जरूर हैप्पी बर्थडे बोले, है ना मम्मा? हाँ जी, सभी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो बहुत लोगों ने बोला, पर यूट्यूब पे भी बोलेंगे सारे, सभी कमेंट में जरूर बोले। तो अब मम्मी पहले आप थैंक यू बोल दो सभी को। सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। मम्मी का बर्थडे आज है ना, स्पेशल डे है, मतलब सबके लिए स्पेशल डे है गाइस। तो आज का व्लॉग, तो पहले तो मम्मा का बर्थडे है और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने सोचा कि मम्मा के लिए कुछ गोल्ड का, मम्मा को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि फिर एक को बताऊंगी तो पूरी फैमिली में पहले ही सरप्राइज वो हो जाएगा, पेट में बात नहीं ना पचती कई बार। तो मैंने सोचा है कि मम्मी के लिए कुछ गोल्ड का लेके दूँ। मतलब थोड़े टाइम पहले ना मम्मा को गोल्ड के मतलब पसंद आए थे रिंग वगैरह कुछ, और बालियाँ नहीं थी, मतलब कुछ गोल्ड के झुमके वगैरह थे, बड़े प्यारे थे वो, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैं वही सोच रही हूँ वैसे, पर अगर उससे भी अच्छी कोई चीज़ मिल जाती है तो वो ले लूँगी। और मम्मी का एक्सप्रेशन देखेंगे शाम को, और थोड़ा बहुत केक वगैरह लेना, और देखते और भी गिफ्ट्स देखेंगे, बट आपको लास्ट में बताएंगे कि मैंने क्या लिया। तब तक आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तब तक आप। और मैं आपको बाज़ार जाके बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लेना है, क्या क्या लिया, तो मैं आपको बताऊंगी। बाय। चीजा सिस्टर ठीक है ना? पचिया चल कोई है भैया, सर यार कोला है क्या करेंगे? नहीं बढ़िया ना, और सब नहीं एक लोड लेना है क्या जोड़ी। तो दोस्तों मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ, शाम के 4 बजे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी। मैंने खुद के लिए भी लेना था कुछ, पर मैंने नहीं लिया कुछ भी यार। मैं ये सोच रही थी कि मैंने कपड़े में कितने सारे लूँ, लगता तो ऐसे ही है कि कपड़े है भी नहीं है, पर कभी सोचूँ तो है भी बहुत ज़्यादा कपड़े, तो मैंने कपड़े कैंसिल ही कर दिए। और मेरे को याद भी भूल गया, जो मुझे पसंद आए थे वो भूल गए मेरे को, मैं वो भी भूल गई कि मैंने लेने हैं कि नहीं लेने, तो फिर ले लूँगी कभी। पर अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने मम्मा के लिए ख़रीदा वो मैंने ले लिया था, और आपको बताऊँगी मैं बाद में कि मैंने क्या लिया। पहले मम्मी को सरप्राइज, सबसे पहले मम्मी को दिखाएंगे, पहले लड्डू गोपाल को दिखाएंगे वो, फिर उसके बाद मम्मी को दिखाएंगे, और देखते हैं मम्मी कितने खुश होते कितने नहीं, है ना। गाइस तो नितिन भी आ गया धर्मशाला से, अभी पहुँचा है, और ये हमारा छोटू सा केक, हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लाया क्योंकि खाता कोई है नहीं, तो छोटा सा लाए हम, हमारा जितने बर्थडे हुए बेस्ट ही गया। तन्जा की हाइट की तरह छोटा केक, मेरी हाइट लंबी है, यू नो 5 फुट 1 इंच, ठीक है ठीक है। चलो गाइस पहले मम्मी को बुला लेते हैं हम, मम्मी अंदर बैठे पापा को खाने खिला रहे। गाइस तो हमारा केक हो चुका रेडी, अभी हम काटने लगे हैं, पर पापा अंदर बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा ना हो हमारा ही बर्थडे बन जाए आज, तो बर्थडे हैप्पी हो जाए नहीं हैप्पी सैड हो जाए ना, फिर मिक्स हो जाएगा, फिर मिक्स चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, हैप्पी सैड आज हैप्पी रहना हमें। तो केक भी हमारा पेस्ती मत कर रही मत नहीं पेस्ती नहीं, पर गुस्सा तो है ना, गुस्सा है। तो गाइस अभी देखते हैं मम्मी का एक्सप्रेशन लेते हैं फेस के कि क्या है क्या नहीं, कैसे एक्सप्रेशन देते होंगे, वैसे अच्छे देंगे पर देखते हैं, बोला कैप्चर करते हैं फ़ोन में। ये ब्लॉग इसलिए बन रहा है क्योंकि कई बार होता है कि हम अपनी खुशियाँ, है ना, जो हमारी बीती हुई खुशियाँ हम उनको नहीं देख सकते, पर ब्लॉग के ज़रिए देख सकते हैं सारी चीज़ें, उन क्या क्या रिएक्शन थे, तो वो चीज़ आ सकते, तो कोई मरी थोड़ी नहीं हुई मुँह बता कि चाची मुँह पता कि बनाए सुन दे प्रधानमंत्री। तो मेन बात यह है कि फेस एक्सप्रेशन हम कैप्चर फोन में कर सकते हैं, तो इसलिए ब्लॉग बना रहे हैं। वैसे मेरा कोई ज्यादा वो नहीं था, पर
खुशियाँ हमारी हमेशा दिल में रखनी चाहिए, पर फ़ोन के जरिए हमें उन्हें संभाल के रख सकते हैं, खुशियों को समेट के रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी देखते हैं मम्मी का एक्सप्रेशन। बाय बाय नहीं, अभी मैं बार बार बाय बोलती हूँ पर बाय मत समझा करो, होगा भी लंबा देते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारा प्लान सारा चौपड़ कर दिया है इन शख्स ने। क्या बोली तेरी पता ससु की गुब्बड़ी है? ससु नी नुमा कने तनुमा की गुब्बड़ी है? तू भी गुब्बड़ा है मैं नहीं कि गुब्बी से नहीं है तू बोतरू मैं ना ये नहीं तेरे सबसे। तो दादी जी ने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि वो मम्मा के पास जाके बोलते कि केक कब काटना है और हम सेलिब्रेट करने हम सोच रहे थे कि सरप्राइज देंगे। दादी कैसा लग रहा है आपको प्लान चौपड़ करके? अच्छा शर्म नहीं आती तिंजो? शर्म है नहीं, शर्म नहीं आती? नहीं आती क्या? हुड्डी हुई है ना हूं कैसी? हैप्पी बर्थडे टू मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज जश्न मनाए जाएंगे तेरा सोनी बर्थडे। क्या कर दी बुटियां गल्ला बड़ी मत बोल, काफी बुटियां का आखरी पता आजकल है लड्डू पल्ली नहीं कर रहा है, बुटियां गल्ला कर दे ने तक नहीं कर रहे दवाई सारे हटा आज वैसे सच ओ देखो सावधान हुई है, सावधान हुई है, सावधान हो यार नहीं नीता मम्मा जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। कितनी इयर्स की हुई हो आप? कितने कितने साल लग गया? 45 अभी लगते आप 25 के। मीनू शर्मा हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिखा ससु की पति देव की सेहत कमजोर, वही बाबा फोटो नहीं खिंचो दी इतनी कुछ फैशनदार है लिबड़ा नहीं लगता जी चलो चलो नेक्स्ट हो गया हो गया, चलो अगे ऐसी फोर्स कर दे नहीं गुस्सी, समोसे भी नहीं खाने कुछ नहीं खाना खाना नहीं जरा के लिए। रियल सास है। आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट
तारीफ की पैसे भूसे दी ऐसे काम फोटो देवरानी और जिठानी का प्यार चमकता हुआ बंब ले मम्मा बोल रही है मम्मी ये हाथ नहीं काम कर रहा और काके बटू बोले थे मम्मी क्या करो ओ हो दिखा तो ये कैसी ले आई तू बागो केने टॉप से ये टॉप से दिखा सच्ची खोल ले तो सब प्यारे लंदे बड़े प्यारे हैं कैसा लगा आपको गिफ्ट ये गिफ्ट मेरी इस तो बात देता नहीं मैं तू कस कितना रोंदी रहनी दस रोंदी रहनी ओवर एक्टिंग रोंदी लैनी ते सो स्वीट मोमेंट और के पहुंच दे देखिए अरे दूर थोड़ा नहीं मानना नहीं हां मैं कि खरे लगा दे तेरे देने ज्यादा ने हां क्या भी यार दे मैं सोचा भाई तनुजा ने दिया अपनी मम्मा को फर्स्ट गिफ्ट उनके बर्थडे पे वो भी कितने का 24,000 का गिफ्ट दिया कितना 24,800 दिखा सस्सू की ओ तू गाइस तो ये खुशी के आंसर थे क्योंकि पिछले बार मम्मा गए थे तो उनको जो बालियां थी तो उन्होंने ये वाली ली थी ये वाली तो थोड़ी सी मतलब थोड़े नॉर्मल ही थे जो दूसरे पसंद आए थे पर मैं उससे ज्यादा अच्छे ले आई हूँ पर पता नहीं मम्मी को पसंद आए कि नहीं मुझे बड़ी ज्यादा पसंद आए हिंदी में नहीं बोलना आप अपने बड़ी ज्यादा पसंद आई है मैं कि जेड़ मैं कि कुड़िया गिफ्ट दे तो मैं सोच भी ना सकती लेने दे पर चल मेरी की कुड़िया मैं कि गिफ्ट दे अभी तो नहीं बोल रहा मैं तो मैं तो सोची सकती मैं कभी सोची नहीं सोची देखा नहीं रोदी के बेचारे कैसे रोदी देखा मैं भी कैसे रोदी मैं कि जोर ना रोवा तो वैसे हमने बनाना था हैप्पी मोमेंट पर बन गया सैड मोमेंट और स्वीट भी बहुत था है ना अगर आपको भी स्वीट लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो डिजाइन बड़ा शान लग रहा सॉरी गाइस थोड़ा खुशी का माहौल था और थोड़ा सा सैड हो गया हम
बट मैं ये चीज़ कैप्चर करना चाहती थी क्योंकि कुछ टाइम पहले मम्मी को दूसरे वो पसंद आए थे, बालियाँ पसंद आई थी, पर वो ना किसी वजह से ले नहीं पाई क्योंकि वो ना मतलब थोड़ी महंगी थी और मेरे को तब बड़ा बुरा लगा। मैंने सोचा कि यार हमें कोई चीज़ हम मतलब पसंद आती तो हमारे मम्मी पापा हमेशा लेके देते हैं और जब उनको पसंद आ रही है तो मैं क्यों नहीं ले सकती उनको। मतलब मैं आपके लिए भी शायद नहीं हो इतना महंगा गिफ्ट, बट जो खुशी थी ना वो मुझे चाहिए थी तो वो मुझे मिली और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं रोना पड़ दोबारा, सॉरी गाइस। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग प्यारा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करें। बाय गाइस, थैंक यू।